गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर किसी बच्चे को टेबल लर्न नहीं है तो आपने टेबल लर्न कर लेने हैं। 2 से 9 तक टेबल आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हम तभी कर पाते हैं जब हमें टेबल अच्छे से आते हैं। मुझे आशा है कि आपको सभी बच्चों को टेबल आते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 का प्लेस है वंस, 2 का प्लेस है टेंस, और हमने पहले 4 से वंस के प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 4 से ही टेंस के प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टेंस के प्लेस में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने 4 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमने 4 का टेबल 4 तक पढ़ना है। पढ़ना शुरू करेंगे सभी बच्चे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 4 होता है 16। यहाँ पे 6 का प्लेस है वंस, 1 का प्लेस है टेंस। हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास 2 डिजिट आते हैं तो हमेशा हमने वंस के प्लेस को यहाँ पे लिखना है। तो वंस के प्लेस पे जो डिजिट है वो है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। टेंस वाला प्लेस है 1, 1 बच जाएगी हमारे पास कैरी, वो हमने नेक्स्ट वाले प्लेस पे लगा देनी है। अब हमने 4 का टेबल 2 तक पढ़ना है, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8 हो गया, और 1 हमारी पीछे वाले डिजिट से कैरी बची है। 8 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 9, तो 96 है हमारा आंसर। जब हम 24 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलता है 96। अब आपने इसी तरह से ये जो क्वेश्चन आपको और दिखाई दे रहे हैं, 2nd, 3rd और 4th, ये आपने घर में खुद करने हैं। ओके, थैंक यू।